अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हाजी मोहम्मद अय्यूब हाजी महमूद साहब कुरैशी, सदर अहले सुन्नत वल जमात शहर सोलापुर और सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश महाराष्ट्र। आप सबको ईद अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद उल अज़हा की ईद यानी कुर्बानी की ईद का कहा जाता है, जिसे ईद उल अज़हा कहा जाता है। ईद उल अज़हा की ईद है। कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ताला से बशारत हुई थी कि मेरे लिए मेरे राह में एक जो है सबसे प्यारी चीज़ मेरे राह में कुर्बान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है उस वक्त में सुबह उठ कर जो है काफ़ी सारे ऊँट को ज़बह किया। तो फिर दूसरी रात में भी ऐसी ख्वाब गिरा कि भाई आप मेरे राह में जो है अपनी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ कुर्बान करना। ऐसा दूसरी रात में भी जो है ख्वाब में बशारत थी, तो आपने जो है फिर सुबह उठकर जो है 100-200 ऊँट की कुर्बानी की। तब भी जो है आप रात में सोए तो ताप रात में भी जो है आपके ख्वाब में बशारत थी कि आप मेरी राह में महसूस हुआ कि अल्लाह ताला जो है मेरे पितरे अजीज की कुर्बानी चाहता है, लिहाजा आपने सुबह उठकर अपने फर्जंद अर्जुमन को कहा कि बेटा मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि अल्लाह ताला मुझे आपको कुर्बान करने के ताल्लुक से कहता है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अगर अल्लाह ताला की राह में मुझे ये करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए राजी हूँ, अल्लाह ताला की इस बात के लिए मैं राजी हूँ और आप मुझे इसमें जो है सब्र वाला पाएंगे। तो लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपको साथ में लेकर जहाँ पर आज जो है अरफा का जो मैदान है उस मैदान के अंदर आप जो है उनको लेकर चले, और जहाँ पर जो है पहुँचने के बाद में आपने जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़ुबह करने का ये किया तो आपने जो है अब्बा हुज़ूर मेरे को सीधे नहीं औंधे मुँह लिटाइए ताकि देखने के बाद में आपको गिरा ना गुजरे, लिहाजा मेरे हाथ पर भी बांध दीजिए। तो आप जब रज़ा इलाही की जान में आपने उस पर उन पर छुरी फेरना चाहा तो छुरी चल ना सकी। अर्श आज़म से एक दुम्बा लेकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे और दुम्बा जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बा ज़ुबा हो गया और ये कुर्बानी की ये बात तकमील तक पहुँच गई और वो दुम्बा जो है आसमान पर उठा लिया गया। लिहाजा कुर्बानी का फलसफा जो है एक जो है नहायत ही अल्लाह और अल्लाह को खुश करने का एक फलसफा है, और कुर्बानी का जो फलसफा है जिस वक्त से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक का हर कोई मुसलमान बालिग अपने तौर पर कुर्बानी अंजाम देता है। और कुर्बानी देना एक अल्लाह की बारगाह में सब में बड़ा अल्लाह को पसंदीदा चीज़ कुर्बानी है। कुर्बानी जो है एक अजीम फलसफा है, लिहाजा तमाम मुसलमान जो है इस फलसफे को अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्माइल नबी अल्लाह और इब्राहिम खलील अल्लाह के तुफैल में हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए।